बस ऐसा लगता है कि अगर वो ना मिली तो मर ही जाऊंगा। आखिर में वो शादी कर लेते हैं उस टाइप का लव? हाँ। मेरी सबसे लंबी रिलेशनशिप 1 महीने चली थी। तो हम 2 महीने ट्राई करते हैं। रोमांटिक मूवीज में दोस्तों हम अपनी कहानी को ढूंढने की कोशिश करते हैं या एक ऐसी कहानी पसंद करते हैं जिसमें इमोशन हो, रोमांस हो और एक ऐसी लव स्टोरी हो जो हमारे दिल को छू जाए। और इस लिस्ट की सभी मूवीज बिल्कुल ऐसी ही हैं जिन्हें आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहोगे। साथ ही में कुछ मूवीज तो ऐसी हैं जो आपको रुला देती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम साउथ की टॉप 5 बेस्ट रोमांटिक मूवीज के बारे में जानेंगे जिन्हें आपने शायद ही देखा होगा। और ये सभी मूवीज आपको यूट्यूब पर ही देखने को मिल जाएंगे जिनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो वीडियो काफी ज्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो लाइक का बटन दबा दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नंबर 5 आदित्य वर्मा। नंबर 5 पर है दोस्तों आदित्य वर्मा, जिसे हिंदी में भी इसी नाम से डब किया गया है। ये मूवी दोस्तों एक अच्छी रोमांटिक फिल्म तो है ही, लेकिन इस फिल्म में जो ध्रुव विक्रम ने एक्टिंग की है वो काफी जबरदस्त है। अपनी डेब्यू मूवी होने के बाद भी इन्होंने इस मूवी में काफी शानदार एक्टिंग की है। देखो विक्की, तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो पर कुछ नहीं होने वाला। मैं आराम से किसी और लड़की पर ट्राई करूंगा। नंबर 4 मिस्टर मजनू। तो 2020 की वो फिल्म जिसे लोगों ने बहुत ही ज्यादा पसंद भी किया था और एंजॉय भी किया था, वो है अखिल अखे यानी कि मिस्टर मजनू मूवी, जो कि एक तमिल मूवी है। जिस तरह का विंदास कैरेक्टर अखिल के लिए फिल्म में लिखा गया है और जो फिल्म के शुरुआत में हमें वो आवारा लड़का दिखाया गया है, वो सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। मूवी में कॉमेडी के साथ साथ एक अच्छी लव स्टोरी पर भी फोकस किया गया है जो कि हमें मूवी के सेकंड हाफ में देखने को मिलती है। फिल्म में दोस्तों अखिल अक्खिनेनी के साथ निधि अग्रवाल भी लीड रोल में है और मूवी में इन दोनों की एक्टिंग काफी जबरदस्त रही है, लेकिन इस फिल्म को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है वो इस फिल्म का BGM। यहाँ दोस्तों इस फिल्म का BGM काफी जबरदस्त है। पहली बार कोई लड़की इतनी अच्छी लगी है, वो मुस्लिम लड़की है। नंबर 3 रियल दिल जला। और रियल दिल जला मूवी तेलुगु रोमांटिक मूवी मल्ली मल्ली ईडी रानी रोजू का हिंदी वर्जन है, जिसमें हमें सर्बानंद और नित्या मेनन लीड रोल में देखने को मिलती है। ये मूवी दोस्तों एक रोमांटिक मूवी है जिसे हिंदी में देखने के लिए हमने काफी ज्यादा वेट किया है। ये मूवी दोस्तों कहानी होती है राजा राम और नजीरा की, जो कि बैड सिचुएशन की वजह से अलग हो जाते हैं, लेकिन वो कभी भी अपने प्यार को नहीं भूलते। इस मूवी को इतने अच्छे से डायरेक्ट किया गया है कि आपको ये मूवी उनका दर्द एहसास करा देती है। और ये मूवी दोस्तों एक बहुत ही अलग और एथिक रोमांटिक मूवी है जो कि आपको बहुत ही कम देखने को मिलती है। साथ ही में दोस्तों जितने पावरफुल डायलॉग हमें इस मूवी में सुनने को मिलते हैं, वैसे डायलॉग्स दोस्तों एक रोमांटिक मूवी में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। हर किसी की लाइफ में मेमोरीज होनी चाहिए। मेरी वजह से किसी का सपना पूरा हो रहा है तो उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। नंबर 2 आज का खिलाड़ी। आज का खिलाड़ी तेलुगु मूवी नेमाउ कोरी का हिंदी डब वर्जन है, जिसमें हमें नानी, निवेता थॉमस और आदिदिनी सेट्टी लीड रोल में देखने को मिलते हैं। इस मूवी की कहानी दोस्तों काफी ज्यादा यूनिक है, जिसे देखने के बाद लोग इस मूवी से रिलेट कर पाते हैं। और इस मूवी में दोस्तों हमें एक अच्छी लव स्टोरी के साथ साथ जबरदस्त कॉमेडी भी देखने को मिलती है। उसका आना मेरी जिंदगी में एक नया आगाज था। और अब बात करते हैं दोस्तों इस लिस्ट की नंबर 1 मूवी की, जिसमें हमें एक जबरदस्त रुला देने वाली लव स्टोरी के साथ साथ एक काफी अच्छा मैसेज देने वाली स्टोरी देखने को मिलती है। तो नंबर 1 पर है रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की एक तेलुगु मूवी डियर कॉमरेड, जिसमें हमें गुस्सा लड़के और एक सुलझी हुई लड़की की कहानी देखने को मिलती है। डियर कॉमरेड मूवी ने दोस्तों 1 साल के अंदर 200 मिलियन से भी ज्यादा यूट्यूब पर व्यूज गेन कर लिए हैं, जो कि एक रोमांटिक मूवी के लिए दोस्तों काफी बड़ी बात है। हालांकि दोस्तों जितनी अच्छी कहानी हमें इन दोनों की मूवी गीता गोविंदम में देखने को मिलती है, उतनी अच्छी स्टोरी तो हमें इस मूवी में देखने को नहीं मिलती, लेकिन ये मूवी भी काफी अच्छी है और इसे हिंदी में भी काफी अच्छे तरीके से डब किया गया है। एंड आपको इन दोनों की मूवी गीता गोविंदम पसंद आई है तो आपको डियर कॉमरेड भी पक्का पसंद आएगी। तो यही थी हमारी टॉप 5 रोमांटिक लव स्टोरी मूवीज। वैसे आपको इनमें से कौन सी मूवी अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताना और अपना रिव्यू भी देना कि इनमें से आपको सबसे ज्यादा मूवी कौन सी पसंद आई देखने के बाद। और हाँ, ऐसी वीडियोस बनाने में काफी ज्यादा मेहनत और रिसर्च लगती है, तो मेरी मेहनत का ख्याल करते हुए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में।